ये हमारा 8 फ्लोर रहेगा, ये लेफ्ट वन। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अलविदा से केवल तस्वीर। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली पीपल, कैसे आप सब? होप एकदम अच्छे, मेरी तरफ फाइन बढ़िया होंगे। और देख रहे हो कहाँ टंगा हुआ हूँ, एक शॉट के लिए सुबह सुबह मार्केट का व्यू दिखाना था, उसके लिए मैं चढ़ गया था ऊपर। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Good morning, uncle. Good morning, कैसे हो? बढ़िया। आज आप लेट हो ना? नहीं बेटे, लेट नहीं है, एक्चुअली कुछ अच्छे दिनों चलते था ना। तो सामान लेने कहते हैं, वो डॉग्स को आज फीड कराते हैं, तो गुड है। ठीक है अंकल जी, मिलते हैं। हाँ जी गाइस, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। और आगे वापस अपनी नगरी में, और यहाँ आने का कुछ मकसद है, आपसे ही बात करनी थी और रनिंग तो करनी है, क्योंकि हफ्ते में एक दिन संडे मिलता है, उस दिन रनिंग करनी होती है, तो यही कारण होता है। और बाकी आज तो सीरियस एक टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे आपसे बात करनी है। तो उससे पहले मैं एक्चुअली बताता हूँ, आप सोचोगे हाथ में फोन लेके पता नहीं क्यों चमका रहा है ये एप्पल, ऐसा नहीं है भाई। इस वाले फोन में जो पुराना फोन था ना, उसमें ऑप्शन ही था प्ले करने का, पर इसमें ऑप्शन है कि मैं इससे प्ले कर लेता हूँ, GoPro को कनेक्ट कर रखा है, तो इसलिए हाथ में दिख रहा है, इससे पाउच इससे प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस वाले मुद्दे को हटाते साइड में। अभी मेन कारण है कि जो 2 साल पहले मैंने 3 कमिटमेंट किए थे। क्या 2021 में मेरी शादी होने वाली है? क्या मैं बहुत अच्छा या बढ़िया घर लेने वाला हूँ, दुकान लेने वाला हूँ? क्या लंबे टूर पे जा रहा हूँ? उन तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, घूमने जाने वाला। बचे थे 2 टॉपिक, जो कि लाइफ के बहुत बड़े टॉपिक्स है, तो आज उन्हीं के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो जी, दोनों टॉपिक में से पहला टॉपिक जो मैं चूज कर रहा हूँ वो है शादी। तो आपके भाई की शादी अभी नहीं हो रही है, तो सबर करो, सबर करो, प्लीज प्लीज रुको जरा। ठीक है, तो शादी में अभी टाइम है, देखते हैं कब तक होती है, वो छोड़ते हैं मुद्दा। अभी मुद्दा है घर वाला। तो फाइनली मैंने कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 तक घर देख डाले एवरी संडे लास्ट 2 ईयर्स। घर देखे हैं, एक दिन में 2-3 कितने कितने फ्लैट देख लिए, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा था। तो जी फाइनली एक घर 6 या 7 या 8 महीना या फिर 1 साल पहले समझ में आया था, लेकिन वो घर हमने, वो वाला फ्लैट जो है, नहीं वो वाला घर या फ्लैट जो भी बोलूं, समझ जाना यार, घर वाली फीलिंग है, फ्लैट वो है। ठीक है, तो वो वाला जो घर था वो बजट से बाहर था, तो हम उसको बाय नहीं कर पा रहे थे, और जिस जगह पे हमें लेना उस जगह के हिसाब से भी वो महंगा था। ऐसा मतलब हमारा था मन, लेकिन वो मन समझ में आ गया था, जगह ठीक लग रही थी, घर भी ठीक लग रहा था, चीजें ठीक लग रही थी, लेकिन बजट नहीं आ रहा था, तो हमने उसको सोचा कि नहीं लेंगे हम, और सर्च करते हैं। तो 1 साल तक और कई 500 या कुछ 400-500 घर और देखने के बाद में भी नहीं समझ में आया। तो फाइनली हमने जो 1 साल पहले वाला घर लिया था वो अभी तक सेल आउट नहीं हुआ था, क्योंकि हर किसी को उसका बजट जो है वो ज्यादा लग रहा था, और जो उसका ऑनर था वो बिल्कुल प्राइस नहीं कम कर रहा था। तो हमने सोचा यार क्या किया जाए। तो फिर फाइनली हमने डिसीजन लिया कि थोड़ा सा लोन लेके और थोड़ी सी हेल्प लेके, अपने रिलेटिव्स की हेल्प लेके इसको बाय करेंगे। तो वही हमने किया, और अभी बाय पूरी तरीके से नहीं किया है, बस जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है वो हो गया है। तो ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज आपके लिए। अब स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज। ये है पूजनीय पेड़, पीपल वाला। मोड़ दिखा यहाँ पे, हेलो डूड, हाउ आर यू? मैं भागूंगा तो ये भाग जाएगा, देखो ये भागा, हम भागे। हेलो डूड, वैसे ये मोर नहीं था, ये मोर नहीं थी, क्योंकि जिसके पीछे पंख नहीं होते ना वो मोर नहीं होती है, और मोर के पीछे प्रॉपर बड़े बड़े पंख होते हैं, तो इसके पीछे पंख नहीं थे। ऑल सेट, 3 चक्कर डन, नाक से नाक डन। तो जब भी मैं पार्क आता हूँ ये मिल जाते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि डिप्स मार लूँ। डिप्स मतलब कि ये घोड़ी, हिंदी में घोड़ी, इंग्लिश में डिप्स। तो लेट्स डू इट, कितनी होती है? वैसे तो मेरा 5 से ज्यादा का कभी हुआ नहीं है, तो आज भी शायद 5 ही होगा, या हो सकता 3 भी हो, देखते हैं क्या होता है।
पास तो हो गए पर आज तुम्हारे सामने लाज रखने के लिए छे कर देता हूँ। छे हमारे पार्क में पुलअप्स की जगह नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पैर फोल्ड कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ ऐसे करके ये पैर फोल्ड अब लेंगे। तो मैं जल्दबाजी में जाने के लिए निकल गया था पर याद आया कि कैमरा तो ले लेता हूँ क्योंकि बड़े दिन से ब्लॉग नहीं किया तो याद ही नहीं रहता, तो वापस ऊपर भाग के गया कैमरा उठाया और वापस आया हूँ। तो मैं निकल रहा हूँ बाइक से, मम्मी आएगी मेट्रो से और मेरे साथ सिस्टर जाएगी, तो सिस्टर को पिक करके फिर निकल रहा हूँ मैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not. तो ये आज का मोटर व्लॉग कर रहा है हमारी प्यू और भाई बोलते हुए प्यू व्लॉग करते हुए बढ़िया तरीके से भी मजा आ रहे हैं। तो जी हम बैठ के यहाँ पे थोड़े से बोर हो रहे हैं क्योंकि जो थर्ड पार्टी जिनका है वो अभी है नहीं और पिछले 25 मिनट से हम लोग बैठे हैं बोर हो रहे हैं यहाँ पे। मम्मी लोग अंदर वाले रूम में बैठे हैं और मौसा जी भी आए हुए वो भी बैठे हुए हैं, कुछ वेटिंग चल रही है और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन का काम चलेगा और उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में है क्या। कैसा लग रहा है? बोर लग रहा है? हाँ भाई कैसा लग रहा है? ये तो लगी है फोन में बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। जी फाइनली सारा कुछ कर करा के हम लोग पहुंचे हैं घर पे और मैं घर का बाहर का दिखाता हूँ आपको कैसे व्यू बना हुआ है। ये हमारा ये फ्लोर रहेगा, तो हमारा ये वाला फ्लोर रहेगा, बाकी जो ऊपर नीचे ये वाला फ्लोर रहेगा और इसका ये गेट और भाई की कार खड़े होने का स्पेस अभी है नीचे होगी तब ये भाई कार होने की छोटा मोटा फंक्शन वाली स्पेस अपने भाई का बढ़िया से। लेफ्ट में मम्मी आएगी, मैं भी आया तो जाओ मम्मी और मैं आ गए लेफ्ट में। ये लेफ्ट बंद, बड़ी स्लो मोशन वाली लेफ्ट है ये। और जी मम्मी लेफ्ट के अंदर ब्लॉक करते हुए कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। घर बाय करने कैसा लग रहा है? इसलिए बाय नहीं हुआ है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, चीजें चल रही थी तेरे स्लो मोशन लेकिन कम्फर्टेबल धीरे धीरे प्यार आ जाओ। आ चुके हम अंदर हमारे फ्लोर में और ये हमारा हॉल इस तरीके का रहेगा कुछ। मैं वाइड एंगल कर लेता हूँ तो वाइड में ज़्यादा दिखेगा, तो जी वाइड कर दिया एंगल तो आप थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। और ये ऊपर कुछ थोड़ा सा काम अभी धीरे धीरे, मतलब अभी तो दीवारें घर बनना बाकी है तो धीरे धीरे घर बनेगा, कोई आएगा तो फ़ोन हम कर लेंगे, यहाँ पर फ़ोन का भी है। तो ये एक और रूम है और ऊपर का ऐसा काम है पूरा आपके भाई का और बस अब यहीं पे रहना है, चलना है कैसे भी करके देख लेंगे। और ये है हमारा छोटा सा स्मॉल वॉशरूम, छोटी सी बहू और छोटा सा ये हाथ धोने के लिए बढ़िया। ये बाहर का है, बाहर देख लो भाई ये आगे से कुछ काम नहीं हो रखा यहाँ पे, तो ये बिल्डिंग का कुछ ऐसा ही है। हमारा वाला ऐसा है, बहन पूरा वीडियो भेज देंगे बहन टेंशन ना ले, ये पूरा ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं तो पूरी वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें देख लियो, व्लॉग बनेगा ना हाँ देख लियो। और कैसा लग रहा अभी? ठीक लग रहा है? ऑसम बस। हाँ भाई छुटकी, हाउ इज द फीलिंग इज गुड। ये एक और रूम ऐसा है, ये एक और रूम, ज्यादा बड़े रूम नहीं है ठीक साइज है, चिमनी हवा के लिए। और एक और दिखाते हैं, ये हमारी गैलरी रहेगी थोड़ी सी और गैलरी के पास में गैलरी में ऊपर ऐसा कुछ काम है ठीक है। और ये वॉशरूम है, इसमें लाइट्स कम है, नीचे वाली जो वॉशरूम जो जिन्होंने एज ए सैम्पल फ्लैट बनाया उसमें लाइट काफी है, तो ये तो अपना खुद का काम कराना पड़ेगा, लाइट का वो करा लेंगे धीरे धीरे।
तो ये वाला जो वॉशरूम है थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। फिर ये वॉशरूम के साथ में एक और रूम है, इसका कुछ ऐसे व्यू। ठीक है, तो जैसा व्यू है। और यहाँ पे फिर जहाँ से हमने एंट्री की थी, मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया था, ऊपर से खड़ा दिखाया था, वो ये हमारी बाइक खड़ी हुई, मेरी बाइक वहाँ खड़ी हुई है, और ये इनकी स्कूटी स्कूटी। तो ये अभी छोटा सा हमारा एक और छोटा सा एक और आशियाना अब हमारा ये जल्दी बनने वाला है। और आज मौसा जी भी उपस्थित है हमारे साथ में। और ये जो अभी करंटली ऑनर है वो ये है, इनके आशीष भाई नाम है इनका, हमारा भी आशीष, ये भी आशीष, तो आशीष आशीष नाम है। भाई घर वाले इंस्पेक्शन कर रहे हैं चीजों की, सही है, बेहतर है, ठीक है। अलमीरा दिखाइए बन कितना स्पेस है, दिखा दे जरा, हमारे भाई लोग सारे देख लेंगे। मार्केट के पास घर लेने का नतीजा ये हुआ कि दोनों घर वाले चले गए हैं, दोनों बच्चों को छोड़ दिया है और कुछ शॉपिंग करने चले गए हैं। और इससे पहली बार जब मैं आया था बड़ी वाले बच्चों को लेके, तो तब भी ये लोगों ने शॉपिंग करी यहाँ पे, व्लॉग नहीं करने दे रहा भाई। दो सूट ले लिए उसने, अब ये आई है, ये भी कुछ ना कुछ लेगी, तो बच्चे ही चल रहा है, तो नहीं भी लेना कुछ वो दिला नहीं रहे, बैड लगना मुझे भी नहीं दिला रहे। तो जी मार्केट में हाल हो गया कि फंस गया उस जगह से, आगे पूरा ट्रैफिक जैम, छोटी गलियों से निकाल लो। थैंक यू, बताइएगा ये छोटे गलियों से निकालो, निकल जाएगी। मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे तो हमारे घर वाले हैं ना, उनके साथ घूमना पड़ रहा है। बता बोल के अब हमने क्या किया, थोड़ा पीछे आगे करना बेटा, आगे और आगे और आगे, हाँ और आगे, हाँ। मुझे हमने साइड का शॉर्टकट पकड़ा, वहां से बाजार था राइट में, और हम लोग गली में घुस के शॉर्टकट पकड़ लिया। बाहर तो दिखा दे क्या हाल हो रहा है, वो लोग बाजार से आ जाएंगे, हम वेट कर लेंगे, और इस तरह कुछ नहीं कर सकते। हमारे ब्लॉगर भाई साहब हमारे फेस मुंह में घुसेड़ेंगे क्या ब्लॉग, इसको कैमरे को भाई साहब थोड़ा आगे कर लो, आगे करो, आगे, हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू, ऐसे कर लो। ये देखो हमने शॉर्टकट लिया, ये वाला, ये वहाँ पे मार्केट है सामने, अभी भी ट्रैफिक लगा हुआ है सामने, जूम कर दूंगा मैं सामने गली पर। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. तो जी एक घंटा वेट करते करते हो गए हम दोनों को, है ना। अब एक घंटे के सही 5:30 बजे मैंने इसको बोलता कि वो आ जाएंगे 6:30 तक, और सही एक घंटे बाद ये लोग आ गए। वो देखो सामने से आ रहे हैं, ये आ रही मैडम, ये एक मैडम और एक पीछे, पूरा एक घंटा लगा के आए भाई। एक घंटे तक क्या कर रहे थे, तो सामान वाम कुछ नहीं लिया और एक घंटा ऐसी कर दिया। और जी कुछ सामान नहीं लिया, कुछ लिया नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लिपस्टिक लिया बस भाई, एक लिपस्टिक लिया और पूरा एक घंटा खराब किया भाई साहब। चलो कोई नहीं, हाँ हाँ मैं पता, बहुत भीड़ है, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो जी फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद घर पहुंचे हैं, 1.5 घंटा लग गया भाई ट्रैफिक में, दिल्ली में तो हद ही मचा रखी ट्रैफिक ने, पता नहीं क्या ही हो गया है, कहीं पे भी जाओ इतना ट्रैफिक, मतलब हर जगह ट्रैफिक, जनकपुरी ट्रैफिक, तिलक नगर ट्रैफिक, कीर्ति नगर ट्रैफिक, पटेल नगर, करोल बाग, भाई ट्रैफिक ट्रैफिक हर जगह पे, खूब ट्रैफिक। इतनी हालत खराब के बाद घर पहुंच गया फाइनली, और थोड़ा सा बोलते हुए ड्रामा लग रहा होगा तो पता नहीं, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और अब घर पहुंच चुका हूं। और बाकी अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो कि आपके भाई की खुशी हुई, थोड़ा सा अचीवमेंट करी है, बहुत टाइम के बाद करी है और बहुत मुश्किलों के बाद करी है, अभी भी रहा आसान नहीं, क्योंकि आपको पता है जब एक बार हम होम लोन लेते हैं तो उसको चुकाना में भी थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, बहुत तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ी मुश्किलें आती हैं। तो उसी के साथ में मैंने ले लिया अब होम लोन भी, और अब अपना एक घर भी ले लिया ढंग सा, थोड़ा सा बड़ा सा। अभी आपको मेरी पुराने वाले घर की दिख रही होगी दीवार, ये भी हमारा लव है, ये भी हमारा प्यार है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी ठीक है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके भाई के लिए दिन में प्यार आया हो, तो कमेंट करके जरूर बताना, घर कैसा लगा वो भी बताना, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमेशा की तरह बोलूंगा खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.